तो यार कापन यानी कि रावड़ी रक्षक रिलीज होने से पहले सूर्या के 3 फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप थी, और अगर कापन फिल्म भी हिट नहीं होती तो समझ लो उनके करियर का क्या होता। और यार ये फिल्म हिट होने की ना एक बहुत बड़ी वजह है जो कि आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए यार इस वीडियो में हम बात करेंगे रावड़ी रक्षक के 2 मिनट के सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट रिव्यू की, और उसके बाद हम बात करेंगे इस फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन के बारे में कि इस फिल्म का हिंदी डब्ड वर्जन कहां पर आने वाला है और आप कहां पर जाकर देख सकते हो, कब देख सकते हो। तो यार उससे पहले आप जाके नीचे कमेंट में लिखो कि आप इस फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन को लेकर कितना ज्यादा एक्साइटेड हो, और अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ ही यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए यार देखते हैं कि फिल्म में क्या कुछ नया देखने के लिए मिलेगा, क्या कुछ इंटरेस्टिंग है, और इस फिल्म को जो हिट बनाती है वो कौन सी बात। तो यार फिल्म में जो सबसे बड़ा और सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है वो है इस फिल्म में मोहनलाल सर और सूर्या सर की जोड़ी। सच बता रहा हूं यार इन दोनों की जोड़ी इतनी अच्छी लगी है, इतनी अच्छी केमिस्ट्री बैठी है कि आप अपने आप से पछताने लगते हो कि काश मैं इसको थिएटर में देख पाता। यार जो मैंने स्टार्टिंग में बात किया था ना कि इस फिल्म को हिट बनाने में क्या कंट्रीब्यूशन है, तो वो है यार मोहनलाल सर की इसमें जो प्रेजेंस दिखाई गई है ना वो फिल्म को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती। और यार सच बता रहा हूँ कि मोहनलाल सर के प्रेजेंस से इसमें मलयालम के बॉक्स ऑफिस पर भी इसने बहुत अच्छा कलेक्शन करके दिखाया। इस फिल्म में जो सेकंड एलिमेंट है ना वो है पैट्रियोटिक यानी देशभक्ति का कॉन्सेप्ट। तो यार इस फिल्म में जो मोहनलाल सर बने हैं वो है एक प्राइम मिनिस्टर, और जो सूर्या बने हैं वो है एक रॉ एजेंट। तो समझ सकते हो यार कि पैट्रियोटिक का कॉन्सेप्ट किस तरीके से इस फिल्म में डाला गया है। मिशन प्लानिंग रॉ एजेंट आतंकवाद के खिलाफ बहुत ही अच्छे तरीके से स्टोरी में डाला गया है कॉन्सेप्ट। अगर बात करें यार इस फिल्म के स्क्रीन प्ले की, तो यार स्क्रीन प्ले का पेस बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब शुरुआत से फिल्म स्पीड पकड़ी हुई रहती है और यार कभी भी आपको बोर नहीं होने देती, और यार ना ही स्क्रीन से आपको अपनी आंखें हटाने देती। तो यार अगर ओवरऑल फिल्म की बात करें तो यार अगर आप सबसे बढ़िया धमाकेदार एक्शन थ्रिलर पैट्रियोटिक मूवी देखना चाहते हैं, मोहनलाल सर और सूर्या सर की जोड़ी देखना चाहते हैं आप, तो ये फिल्म यार कमर्शियल ब्लॉकबस्टर है, आपको जरूर देखनी। और यार कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जिसकी वजह से आपको ये फिल्म मिस करनी चाहिए। तो चलिए यार अब बात करते हैं कि ये फिल्म आप हिंदी डब में जाकर कहां से देख सकते हैं। तो यार आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कापन यानी कि रावड़ी रक्षक का जो वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने वाला है हिंदी डब में वो है जी सिनेमा पर 3 अप्रैल को रात 8 बजे। तो यार किसी भी हाल में वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर को मिस मत करना, जाकर जरूर देखना। इस फिल्म के वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर के बाद ये फिल्म आपको देखने के लिए मिल सकती है सिनेकॉन एंटरटेनमेंट पर, क्योंकि ये फिल्म को सिनेकॉन एंटरटेनमेंट ने ही डब करवाया है। तो यार कुछ दिनों के बाद आपको सिनेकॉन एंटरटेनमेंट पर देखने के लिए मिल सकती है, अभी इसके बारे में कोई भी कंफर्म अपडेट नहीं आई है। तो यार जो भी अपडेट आएगा उसके लिए, जहां भी ये फिल्म अवेलेबल होगी उसके लिए आप पिंड कमेंट जरूर चेक करना, हम उसमें अपडेट कर देंगे। और यार रश्मिका मंदाना की फिल्म पोगारू, वेंकी मामा, क्रैक, ये सारी फिल्में हिंदी डब में आने वाली है। तो किस दिन आने वाली है, कहां पर आने वाली है, उसको हमने अपने इंस्टाग्राम पर अपडेट कर दिया है, तो वहां पर जाकर जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डालकर दे रहा हूं। हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक वेंकी मामा हिंदी डब में रिलीज हो भी गई होगी। तो यार इंस्टाग्राम पर जरूर जाकर चेक करो, वहां पर मैं तुरंत क्विक अपडेट करके बताता हूं। इस वीडियो में मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकता हूं, अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, साथ ही यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।